Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today, we are here with our Rise of Nationalism in Europe ka within 20 to 30 minutes ka podcast session. So basically, podcast session is nothing but you can use your headphones or earphones and just sit back, relax and revise to the chapter Rise of Nationalism in Europe. So ye bas ek simple se slide and nothing more. So I'll be explaining the chapter in short and you can just sit back and revise your concepts. So basically, Rise of Nationalism in Europe hamara chapter start hota hai with talking about Frederick Suryo, jinhone 1848 mein apna ek utopian vision ko depict kiya tha. उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जहाँ पे वो नेशन स्टेट के बारे में दिखा रहे थे. उसमें क्या क्या चीज़ें थी? द पेंटिंग हैड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था, दूसरे में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, और अलग अलग डिफरेंट पीपल आ रहे थे अपने फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स के साथ. फ्रांस ने वो स्टैचू जस्ट पास कर लिया था एज फ्रांस को ऑलरेडी नेशन स्टेट वो बन चुका था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. यूएसए और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन रहे थे और ऑन द अर्थ देयर वर रिमेन्स ऑफ यू नो स्केलेटन्स क्राउन्स जो दिखाते थे कि जो मोनार्की है वो गिर चुकी है. एंड सबसे ऊपर थे जीजस क्राइस्ट एंड फ्रेटर्निटी. अब इस इमेज को फ्रेडरिक सोरियो के हम उटोपियन विजन बोलते हैं बिकॉज ये कभी ऐसा मतलब हुआ नहीं था. ये एक सपना था, एक ड्रीम था कि ऐसा हो. सो 19th century के टाइम पे नेशनलिज्म एक सेंस एमर्ज फोर्स किया गया था और सबको नेशन स्टेट चाहिए थे. अब नेशन स्टेट होते क्या है? नेशन स्टेट ऐसे होते हैं जब एक कंट्री है ना या एक कंट्रीज के सारे मतलब कंट्रीज मिलके एक शेयर्ड हिस्ट्री हो, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो और एक मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हो, ना ही रूलर के अंदर रूल, दैट इज नोन एज अ नेशन स्टेट. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया था? देयर वर सम थिंग्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन सच एज द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन जो मिला था हमको फ्रांस में से ही मिला था. सोवरेनिटी का ट्रांसफर हुआ था. देयर वर टर्म्स यूज लाइक ला पैत्री एंड ला सिथियोन, फादर लैंड एंड द सिटीजन्स. उसके बाद एस्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया था. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होते थे और जो ड्यूटीज ड्यूज थे इन सबको एबॉलिश कर दिया गया था. फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज बन गई थी, है ना. इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? जो अदर दूसरे यूरोप के नेशंस थे वो भी ये सब निकाल दूसरे मोनार्कीज को हरा सके और नेशन स्टेट अटेन कर पाए. अब नेपोलियन की बात करें. सो नेपोलियन ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर. ही बिकेम द एम्परर इन 1804. उसने बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी लाए, इसलिए उसको मॉडर्नाइजर भी कहा जाता है. बट द थिंग वॉज ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी. उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था. देन ही रिलीज्ड द सिविल कोड ऑफ 1804. तो उसमें क्या था, या नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, दैट वॉज दैट देर वोंट बी एनी प्रिविलेजेस ऑन बर्थ, कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सब होगा, राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया जाएगा एंड पेजेंट्स को फ्री किया जाएगा और कोई भी बॉन्डेड लेबरर सर्वडम फॉलो नहीं करेगा. टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो गया था. फ्रेंच आर्मीज की बात करें तो वो हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी थे बिकॉज उन्होंने वो सबसे पहले थे जिन्होंने लड़ाई वड़ाई की थी. सो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिडंट गो हैंड इन हैंड बट टैक्सेस बढ़ गए, सेंसरशिप था. तो इन शॉर्ट नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए. अब 1780s में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था. जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारी जो जगह थी सारी कुछ डिवाइडेड थी, किंगडम्स में डिवाइडेड थी, है ना. सो ये सारे मोनार्की के अंडर होते थे और कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हर चीज़ में डिफरेंसेस थे. एक एग्जांपल आता है हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो जो रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी था. फिर एल्पाइन रीजन में टायरोल ऑस्ट्रिया था और बोहेमिया था. इटालियन स्पीकिंग थे लोम्बार्डी वेनिशिया, हंगरी में मैग्यार, गैलिशिया में पोलिश, और बहुत सारे डिफरेंसेस थे. अब आते थे एरिस्टोक्रेट्स.
एरिस्टोक्रेट्स वो ग्रुप थे जो बहुत कम थे, पॉपुलेशन वाइज बहुत कम थे, बट दे वर क्वाइट डोमिनेंट, दे वर क्वाइट पावरफुल एंड दे वर वेरी रिच एज वेल। तो उनके पास बहुत सारे एस्टेट्स होते थे, कॉमन लिविंग, सोफिस्टिकेटेड लाइफ होती थी। वो अपनों को, मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं उसमें ही घर पे शादी करते थे ताकि वेल्थ बनी रहे। वेरियस बात करें पेजेंट्स की, तो पेजेंट्स जो थे वो थे मेजॉरिटी में, बट दे वर रेसेसिव, उनको डोमिनेट किया जाता था एंड दे वर नॉट रिच एज वेल। सो वेस्ट यूरोप में लैंड फाउंड बाय टेनेंट, स्मॉल ओनर्स, ईस्ट सेंट्रल यूरोप में हमारे पास बहुत सारे एस्टेट्स थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, कमर्शियल क्लासेस आने लग गए। ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमर्जेंस ऑफ अ न्यू क्लास वॉज देयर। दैट न्यू क्लास वॉज नथिंग बट दी मिडल क्लास। वो एजुकेटेड भी थे, उनको लिबर्टी भी चाहिए थी और नेशनल यूनिटी भी चाहिए थी। नाउ देयर वॉज समथिंग नोन एज द लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म मतलब आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन दी अर्ली 19th सेंचुरी विच वर अलाइड टू लिबरलिज्म एज वेल, फ्रीडम और नेशनलिज्म दोनों को साथ में मिला के। मिडल क्लास वॉज कंसिडर्ड एज दी फ्री फ्री एंड इट वॉज इवन फॉलोड बाई दी इक्वालिटी बिफोर लॉ। पॉलिटिकली लिबरलिज्म स्टैंड करता था फॉर पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट एंड एवरीथिंग। बट लिबरलिज्म जो था इन द इकोनॉमिक स्फीयर वो कुछ अलग शो करता था। इन इकोनॉमिक स्फीयर फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, ये सब थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। नाउ इकोनॉमी कैसी थी ड्यूरिंग नेपोलियंस टाइम? सो देर वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब इन हर एक 39 स्टेट्स जो आजू बाजू में थे, एकदम नज़दीक नज़दीक थे, उन सब का खुद की करेंसी थे, खुद के मेजर्स थे, सब उनका खुद का था। हर सिटी में, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाओ तो देर विल बी कस्टम ड्यूटीज, कस्टम बैरियर्स लगेंगे एंड इट बिकेम वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रॉब्लमेटिक। लोगों ने बोला, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बोला कि हमको एक यूनिफाइड इकोनॉमिक दो, हमको ये नहीं घड़ी घड़ी करेंसी चेंज करो, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। सो फॉर दैट देर वॉज अ इनिशिएटिव, अ कस्टम यूनियन वॉज स्टार्टअप, दैट वॉज जल्वेरियन। जल्वेरियन वॉज अ प्रशियन इनिशिएटिव जो 1834 में स्टार्ट हुआ था। उसने ये टैरिफ बैरियर्स निकाल दिए थे। जो करेंसीज थी, 30 करेंसी से सिर्फ 2 करेंसीज हो गई अभी, और रेलवेज भी आए थे। थ्रू दिस इकोनॉमिक नेशनलिज्म और बढ़ गया था। नाउ जब नेपोलियन 1815 में वाटरलू के बैटल में हार गया था, एक नई कंजर्वेटिज्म आई थी। दिस कंजर्वेटिज्म प्रपोज्ड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल हायरार्की, जो पहले के हैं वो तो हम प्रिजर्व करेंगे, साथ ही साथ उनको कोई दे डोंट वांट टू रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी एरा। तो वो लोग थे जो न्यू थे, उनको मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए था और पुरानी चीज़ें भी चाहिए थी। आफ्टर नेपोलियंस डिफीट बाय ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशियन, प्रशिया, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था। सो द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वॉज इम्पोज्ड। इस ट्रीटी में क्या था? बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस, नेदरलैंड द सेटअप था इन जेनोवा एंड पीडमोंट, प्रशिया को न्यू टेरिटरीज मिल गई, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली मिल गई, पोलैंड को रशिया मिल गया एंड रशिया को सैक्सनी मिल गई, राइट? सो ऑल ऑफ दिस वॉज गिवन। ये किसने किया था होस्ट? ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट की थी ड्यूक मेटरनिच ने, हु वॉज अ ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन चांसलर। अब कंजर्वेटिव रिजीम की बात करें, जो ऑटोक्रेटिक थी, कोई राइट्स गिवन नहीं थे। जब ये न्यू कंजर्वेटिज्म आई, कोई राइट्स गिवन नहीं थे, सेंसरशिप था, क्रिटिसिज्म को कुछ अलाउ नहीं किया जाता था, कि आप किसी को जाके लेजिटिमेसी के बारे में पूछ नहीं सकते कि अच्छा ये सही है गलत है, नो यू कैन नॉट आस्क। लिबरलिज्म सॉरी सेंसरशिप ऑन बुक्स, देन ऑल ऑफ दिस वॉज रिफ्लेक्टिंग लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब रेवोल्यूशनरीज राइज किए गए,
वन ऑफ सच रेवोल्यूशनरी वॉज ज्युजिपे मजीनी। ज्युजिपे मजीनी वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जेनोवा इन 1807। वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनारी, ही वॉज अ मेम्बर इन दैट। लेटर ऑन एज ही ग्रू अप उसने सिचुएशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग की, सो ही बिल्डअप टू ऑफ हिज ओन सीक्रेट सोसाइटीज़, दैट वॉज यंग इटली इन मर्जेल्स एंड यंग यूरोप इन बोन। ही बिलीव दैट गॉड वॉन्टेड नेशंस टू बी अ नेचुरल यूनिट, एंड हैंस उसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में भी बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। अब बिटवीन 1830 एंड 1848 देर वर थ्री मेजर वॉर्स विच वर डन। द फर्स्ट वन वॉज द जुलाई रेवोल्यूशन विच वॉज डन इन द फ्रांस, जहाँ पर बोर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था और लुइस फिलिप उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया था। उसके बाद विद द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस बेल्जियम ने भी लड़ाई की ताकि वो नेदरलैंड से दूर हो जाए, अलग हो जाए। देन आता है दी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विच इज अ इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक्स इन 1821। ग्रीक को माना गया था कि वो एक क्रैडल है ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, बिकॉज मोस्टली यूरोप का सिविलाइजेशन ग्रीस से ही हुआ था। सो द पीपल लाइक लॉर्ड ब्रायन उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए और वो लड़ने भी गए थे, बट 1824 में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कोल्ड फीवर के कारण। एट दी एंड ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ट्रीटी बनाई गई थी, दैट वॉज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया था ग्रीक को इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं कि हाउ डिड थिंग्स सच एज आर्ट, कल्चर, पोएट्री, ये सब चीज़ें जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करती थी, हाउ डिड दे स्टार्टेड गिविंग नेशनल फीलिंग्स। सो पीपल लाइक जोहान गॉटफ्राइड, उन्होंने जर्मनी के लिए बोला था दास वॉक, मतलब जर्मन कल्चर कॉमन पीपल में, और वॉक्स जीस्ट जैसे फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांसेस, इन सारी चीज़ें लोगों को यूनाइट करेगी इन जर्मनी, जोहान गॉटफ्राइड। उसके बाद जो इलिटरेट पीपल थे उनको इतना सब पता नहीं था, सो फॉर देम द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, उनका यूज़ किया गया था। लाइक पोलैंड, पोलैंड जो था वो पार्टीशन था, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सारे मिलके पोलैंड को रूल करते थे, सो इंडिपेंडेंट नहीं था, फिर भी उनके लोगों ने अपने आप के वर्नाकुलर लैंग्वेज इन सबको शो किया था। कैरल करपन्स्की ने नेशनल स्ट्रगल सेलिब्रेट किया कैसे, थ्रू ओपेराज, म्यूजिक, फोक डांसेस एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। एज आई सेड देर वर लिबरल्स एज वेल, सो लिबरल्स ने अपना खुद का एक रेवोल्यूशन लड़ा था इन 1848। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए विद नेशनल यूनिफिकेशन, अगर आपको राजा रखना ही है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही रूल करेगा। एंड दे वॉन्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वेल एज एसोसिएशन। जर्मनी में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो मार्च कर गए, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन 18 मई ऑफ 1848, वो सारे पहुंच गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन द सेंट पॉल चर्च। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि हम लोग इधर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और फ्रेडरिक विलियम फोर को दे दिया गया था क्राउन कि ये लीजिए आप हमारे राजा बन जाइए, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आप रूल करोगे। सो फ्रेडरिक विलियम फोर ने रिजेक्ट कर दिया था। सो पीपल लॉस्ट इट सपोर्ट्स। एज वुमेन की बात करें तो वुमेन्स वेर नॉट यू नो प्लेड अ रोल इन दिस, बट उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, एसोसिएशंस भी की थी। तो क्या हुआ, जो सेंट्रल और ईस्ट यूरोप के जो मोनार्क्स थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि हम थोड़े बहुत चेंजेस लेके आ जाते हैं, बिकॉज दिस रेवोल्यूशन कैन गेट ब्लडी। सो सर्वडम, बॉन्डेड लेबर, ये सब हटा दिया गया था। हैब्सबर्ग एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने मोर फ्रीडम दी और ऑटोनॉमी भी दी थी टू हंगेरियंस इन द 1867। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एज वेल एज इटली।
जर्मनी में द लिबरल एफर्ट इन 1848 टू यूनाइट जर्मनी वॉज सप्रेस्ड. द मेन पर्सन्स हु वॉज इट वॉज ऑटो वन बिस्मार्क एज वेल एज हाँ ऑटो वन बिस्मार्क थे जो चीफ मिनिस्टर प्रशिया के. विद इन द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स उन्होंने वॉर लड़ाई की थी विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस और वो जीत गए थे. सो हेंस उन्होंने बोला कि जनवरी 1871 को विलियम कैसियर वन को बना दिया गया था एम्परर ऑफ जर्मनी और 18th जनवरी को हॉल ऑफ मिरर्स में कैसियर विलियम को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था. सो ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इटली की बात करें सो इटली की कंडीशन बहुत बुरी चल रही थी बिकॉज इटली पूरा टूटा हुआ था. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स और उन 7 स्टेट्स में से बस एक स्टेट था दैट वॉज सार्डिनिया पीडमोंट जिसके राजा थे विक्टर इमैनुअल टू. बस जो इटालियन राजा थे बस उसी जगह में. वो अभी क्या था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स नॉर्थ को कंट्रोल करता था, सेंटर पोप कंट्रोल करता था, साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन कंट्रोल करते थे. सो इटालियन राजा बस एक जगह ही था. सो जिजीबी मजीनी इज द राय बिकॉज ही वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरिस्ट. सो उन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड उन्होंने अपराइजिंग्स की बट वो हार गए. सो सारा प्रेशर आ गया विक्टर इमैनुअल टू में. उन्होंने हेल्प ली चीफ मिनिस्टर कैवोर की और सार्डिना पीडमोंट ने हरा दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इन द 1859. अब वॉलेंटियर्स जो थे वो अंडर जुजीबी गारिबाल्डी इन 1860 उन्होंने मार्च किया तो साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसाइल्स को हरा दिया. इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू को किंग ऑफ इटली डिक्लेयर कर दिया था. ब्रिटेन की बात करें अबाउट द कंट्री हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजिंग अदर्स है ना, उसकी बात करें तो द मॉडल ऑफ नेशन स्टेट वो भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस के थ्रू बना था. उनकी अंदर भी ब्रिटेन में भी इंग्लिश वेल्श स्कॉट आयरिश ये सब थे. सो क्या हुआ था इंग्लिश नेशन फ्लरिश कर गया था विद द हेल्प ऑफ वेल्थ थी उनके पास और पावर थी. सो विद दिस इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर अपने हाथों में ली थी. नाउ एक एक्ट रिलीज किया गया था द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. यू नो हम बोलते यूके यूएस व्हाट इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम है ना. सो यूनिफिकेशन हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन और ये इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे भी कर दिया गया था इम्पोज राइट. अगेन देयर वर फाइट्स एंड ऑल. आयरलैंड में बात करें तो कैथोलिक्स की मेजोरिटी मेजोरिटी थी और प्रोटेस्टेंट जो लड़ रहे थे वो डोमिनेट होते थे. सो 1801 में आयरलैंड जो था वो पार्ट बन गया था ऑफ यूके और आफ्टर दैट इट फेल्ड टू रिवोल्ट बाय वुल्फ टोन. अब क्या क्या सिंबल्स थे ब्रिटिश नेशन के, उनके पास एक यूनियन जैक था जो उनका नेशनल फ्लैग है जैसे हमारा ट्राइकलर है राइट. देन वी हैड दी गॉड सेव आवर नोबल किंग जो नेशनल एंथम है एंड इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन. उस टाइम पे फीमेल फिगर्स का यूज किया जाता था. पीपल ने पर्सोनिफाई किया था नेशनलिज्म को नेशन के प्रति प्यार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था विद द फीमेल फिगर्स नोन एज एलेगरीज. सच वी स्टडी टू. फर्स्ट वन इज मैरियन जो फ्रांस में थे. आइडिया ऑफ नेशन के लिए उनके एज लिबर्टी के लिए रिपब्लिक रेड कैप ट्राई कलर कॉकेट था और ये जो थे वो पब्लिक प्लेसेस में खड़े कर दिए गए थे मारियन और कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी लगाए जाते थे. उसके बाद जर्मनी में थे हमारे जर्मेनिया. जर्मेनिया के क्या थे ये फीचर्स यू हैव टू रिमेंबर इट मे कम फॉर 1 or 2 मार्क. सो ब्रोकन चेन्स का मतलब था इट शोड फ्रीडम. उनके स्टैचू पे ब्रेस्ट प्लेट थी विद ईगल जो दिखाता था स्ट्रेंथ ऑफ द जर्मन एम्पायर. ओक लीव्स थे जो हेरोइज्म को शो करता था. स्वॉर्ड दिखाता कि हम लड़ाई के लिए रेडी है. फिर ऑलिव ब्रांच इट शोड पीस. ब्लैक ब्लैक रेड एंड गोल्ड इट शोड दी
नेशनल कलर्स एंड राइजिंग सन शोड दी न्यू एरा। वी लास्टली टॉक अबाउट द बाल्कन्स एज वेल, बाल्कन क्राइसिस। सो बाल्कन वॉज अ कलेक्टिव टर्म, उसमें बहुत सारी कंट्रीज थी सच एज रोमानिया, बल्गेरिया, एल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बेसेनिया एंड मैनी मैनी कंट्रीज वर देयर। ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स चाहते थे। बाल्कन अपनी हिस्ट्री को यूज करके प्रूफ किया कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। बाल्कन्स थॉट ऑफ स्ट्रगल्स एज अ अटेम्प्ट टू विन बैक देयर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को लाने के लिए, और ये बहुत ही रिच रिसोर्सफुल थे। सो क्या हुआ, लोगों ने बोला कि हमको चाहिए, लड़ने लग गए सब, है ना। ड्यू टू विच वर्ल्ड वॉर वन वॉज देयर, उन्होंने सब ने लड़ाई की, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सब ने लड़ाई की कि हम लोग बाल्कन्स को कंट्रोल करेंगे, बिकॉज दे वर क्वाइट रिसोर्सफुल। सो वर्ल्ड वॉर वन वॉज लेड। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म की बात करें, सो कंट्रीज अपोज्ड इम्पेरियल डोमिनेशन। जब ब्रिटिशर्स आए, एज यू नो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने मोस्टली हर जगह जाके अपने रूल कर दिए थे, कॉलोनाइजेशन किया था। सो बेसिकली कंट्रीज ने अपोज किया था, दिस अपोजिशन वॉज नथिंग बट इम्पेरियलिज्म। नेशन स्टेट जो थे अब यूनिवर्सल हो गए थे, अब ऐसा कुछ नहीं कि राजा अच्छा वो ही सब करेगा, नो। सो इट बिकेम नेचुरल एंड यूनिवर्सल, एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ आर चैप्टर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। विद इन 20 मिनट हमारा पॉडकास्ट सेशन हो गया। सो डू लेट मी नो विच अदर चैप्टर्स यू वॉन्ट फॉर पॉडकास्ट, आई श्योरली ब्रिंग इट अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल बी सीइंग यू इन आवर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर एंड